आई एम गोइंग टू प्रिपेयर कर्ड ब्रिंजल दही बैगन। इसलिए हमको चाहिए 250 ग्राम ब्रिंजल, जो हम इसी तरह कट किए हैं ब्रिंजल को, इसी तरह हम ब्रिंजल को कट किए हैं। और इधर और हमको चाहिए 2 कप कर्ड चाहिए, 2 कप दही चाहिए। बनाने के लिए हमको चाहिए थोड़ा सा सॉल्ट चाहिए, और थोड़ा सा हल्दी चाहिए, और थोड़ा सा चिल्ली पाउडर चाहिए, और थोड़ा सा जीरा पाउडर चाहिए। और उसको फ्राई करने के लिए हमको चाहिए थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, जो हम आपकी अपनी तरफ से कुछ भी ऑयल ले सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल डालने से थोड़ा सा टेस्टी रहता है। और उसको फ्राई करने के लिए हमको चाहिए पंचू फुटन, और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और 2 सूखा मिर्ची। हम कढ़ाई में अभी हमें ब्रिंजल को बैगन को फ्राई करेंगे, इसीलिए हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, रिफाइंड तेल डाल दिए हैं ब्रिंजल फ्राई करने के लिए। हम अभी क्या करेंगे, उसको ब्रिंजल को हम फ्राई करेंगे। अभी हम ब्रिंजल को थोड़ा फ्राई करेंगे, उसके बाद फ्राई करने के टाइम में थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, और थोड़ा सा सॉल्ट, ओके, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, इसको कवर कर देंगे। अभी हम दही को थोड़ा मिक्स करेंगे मिक्सचर में, उसे करने एक करने से नहीं है और अच्छा से मिक्स होता है। और उसमें थोड़ा सा शुगर भी हम डाल सकते हैं, थोड़ा सा शुगर हम डाल सकते हैं, थोड़ा सा शुगर, फिर थोड़ा सा सॉल्ट भी हम डाल सकते हैं, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी, तो दही टेस्टी होता है, और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी। उसके बाद उसको हम मिक्स करते हैं। अभी हमारा दही अच्छे से मिक्स हो गया है, हम उसको एक बाउल से निकालते हैं। अभी देखिए, पूरी तरह अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हमारा ब्रिंजल पूरी तरह फ्राई हो गया है, अभी हम उसको बाहर निकाल देंगे। अभी हमारा बैगन पूरी तरह फ्राई हो गया है दही बैगन के लिए। हम कॉर्ड ब्रिंजल को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम कढ़ाई में अभी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। और तेल गरम होने के बाद थोड़ा पंचू फुटन डालेंगे, तेल गरम होने के बाद थोड़ा पंचू फुटन डालेंगे, सूखा मिर्ची डालेंगे, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम जो कर्ड रखे थे मिक्स करके, वो कर्ड डाल देंगे, गैस पूरी तरह सीम करके कर्ड डालेंगे, और कर्ड डालेंगे, उसके बाद गैस पूरी ऑफ कर देंगे, गैस ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद हम उस
उसी में थोड़ा ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, टेस्ट के लिए थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालेंगे और थोड़ा सा जीरा पाउडर। ओके, देन हम जो मिर्चन को फ्राई करके रखे थे अभी उसको डाल देंगे उसी में।